फतेहाबाद शहर के डीसी कॉलोनी एरिया में आज मोहल्ला वासियों की सूचना पर पुलिस टीम ने रेड करके घर से एक महिला को, उसके बेटा बेटी और एक सप्लायर को नशा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए सिटी थाना के एसएचओ ने सुरेंद्र कम्बोज ने बताया कि राजविंदर कौर नाम की महिला के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह घर में नशा सप्लाई का कारोबार करती है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक नशा सप्लाई को गिरफ्तार किया, जो बाहर से नशा लाकर महिला को देता था। चारों आरोपियों से नशे की अलग अलग मात्रा बरामद हुई है, जिसमें आरोपी मां राजविंदर कौर से 8 ग्राम, आरोपी राजविंदर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ सोनू से 20 ग्राम, बेटे राजन से 7 ग्राम और मुख्य सप्लायर चिराग से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। महिला राजविंदर कौर अपने बेटे और बेटी के जरिए नशा बांटने का काम करती थी। सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि अभी तक की जांच में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं पाया गया और पहली बार ही नशे के मामले में यह लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और कल सुबह कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामला है जी विकट रोड की, डीसी कॉलोनी विकट रोड। तो यहाँ पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह चिट्टे का काम होता है हीरोइन का, तो उस पर टीम मौके पहुँच दी है। मौके पहुँचे जब ये चार जने, दो लेडी और दो मेल हैं, वो भागने की कोशिश कर रहे, जिन्हें पुलिस ने उनको रोका। रोक के पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद उनके पास NDPS मिला है, जो अलग अलग मिला है। दो लेडी हैं उनके पास, राजविंदर कौर है उसके पास 8 ग्राम मिला है, और इसके अलावा राजन के पास 7 ग्राम, हरप्रीत उर्फ सोनू उसके पास 20 ग्राम, और जो मेन इसमें है चिराग उसके पास 40 ग्राम बरामद हुआ है। तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगामी अनुसंधान जारी है। वहीं इस मौके पर मोहल्ला वासियों ने भी बताया कि इस घर में रह रही महिला को बाहर से बाइक पर सवार होकर आने वाले युवक नशा देकर जाते थे और कई लोग यहां से नशा लेकर जाते थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। फतेहाबाद से वी न्यूज के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।